अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहान फ्रॉम ज़मीन.com और MSJ के प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लाए हैं प्रोजेक्ट रिव्यू ऑफ सिल्क मॉल। बात करेंगे डेवलपर के हवाले से जो कि है सैफको ग्रुप। काफ़ी न्यूमरस है, काफ़ी फेमस है और इन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हुए हैं, जैसा कि एम्पोरियम F10 के अंदर, I8 के अंदर इनका एम्पोरियम स्क्वायर जो कि ज़मीन.com के पास भी है, काफ़ी हद तक उसके ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, और साथ में I8 के अंदर गैलेरिया, ये इनका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है। बात की जाए अगर मरी रोड की तो उसके अंदर भी मेन इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि सिल्क मॉल के नाम से ही है और वो ऑपरेशनल है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर जुनेद जमशेद भी है। बात करूँगा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से जो कि इंतहाई प्राइम है। देखा जाए तो ये मेन GT रोड के ऊपर ही वाकया है ये प्रोजेक्ट, जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं बैरिया 1-6 गेट के बिल्कुल पास में इसकी लोकेलिटी है। ऑपोजिट साइड पे एग्जैक्टली इसके तहजीब बेकर्स है और बिल्कुल सामने इसकी बैरिया फेज 7-8 की एंट्रेंस है, यानी कि बिल्कुल प्राइम लोकेटेड है और इसकी एक्सेस जो है वो ईजिली फ्रॉम GT रोड है। जी व्यूअर्स, बात करूँगा आपको इन्वेंट्री के हवाले से जो हमारे पास बेसिकली सिल्क मॉल में एट द वेरी मोमेंट अवेलेबल है। हमारा जो ओवरऑल यहाँ पे इन्वेंट्री है एज ऑफ नाउ है वो 92 इन्वेंट्री में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर क्योस्क्स भी आते हैं, जिसमें स्मार्ट शॉप्स भी होती हैं, रेगुलर शॉप्स भी हैं और ऑफिसेज भी हैं। बात करूँ अगर इन्वेंट्री की, जो रेंज है हमारी वो तकरीबन 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमारे तकरीबन 40 लाख से हमारे स्टार्ट होते हैं कियोस्क, जो कि स्मार्ट शॉप्स हैं। बात करूँ अगर ऑफिसेज के हवाले से तो वो तकरीबन हमारे 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट में राउंड अबाउट 54 लाख से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री हमारे ऑफिसेज के हवाले से जो कि हमारे 3rd फ्लोर पर हैं। एज अ होल अगर बात की जाए सिल्क मॉल ओवरऑल प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो एट द मोमेंट आप देख सकें जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारा रेडी है वो ग्राउंड प्लस 4 का है, इसमें एक बेसमेंट भी आती है, और एज अ होल हमने जो फर्दर इसके फ्लोर्स है उसकी भी अप्रूवल भेजी हुई है। तो एज अ होल ये ग्राउंड प्लस 9 का टोटल स्ट्रक्चर है, जिसमें एट द वेरी मोमेंट G+4 जो है वो राउंड अबाउट का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हम आपके साथ शेयर करते होते हैं ज़मीन.com के, वो स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, अभी उनके ऊपर काम स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके काफ़ी हद तक जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट है, यानी कि अगर आप आएंगे और आपने कोई चीज़ हमने चूज़ आउट करेंगे तो हम आपको उसकी फिज़िकली लोकेशन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम एट द मोमेंट जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो भी सिल्क मॉल के अंदर ही बना रहे हैं। जी व्यूअर्स, एट द वेरी मोमेंट मैं ठहरा हूँ 4th फ्लोर पे सिल्क मॉल के, और आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट की लोकेलिटी के हवाले से। ये काफ़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है ये वाला प्रोजेक्ट, आप मेरे बैक पे देख सकते हैं तहजीब बेकर्स है, बिल्कुल मेरे राइट साइड पे वॉकिंग डिस्टेंस पे बैरिया टाउन का 1-6 का गेट है एंट्रेंस का, और मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 7-8 जो एंट्रेंस है बैरिया टाउन की वो लोकेटेड है। यानी कि एज अ होल जो ये लोकेशन है जहाँ पे हम एट द वेरी मोमेंट हैं सिल्क मॉल में, ये मेन GT रोड के ऊपर लाई करती है और इसका एक्सेस जो है बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंट है, जो कि मेन GT रोड के ऊपर ही है। जी व्यूअर्स, आपने हमारा रिव्यू देखा सिल्क मॉल के हवाले से, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेलिटी भी इसकी बहुत ही प्राइम है, बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसका ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी है। हमने जो कुछ शॉट्स लिए हैं वो सिल्क मॉल के अंदर ही लिए हैं, एट द वेरी मोमेंट भी हम इसके टॉप फ्लोर पर ठहरे हुए हैं, और बाकी
MSJ की प्लेटफॉर्म को और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको MSJ के प्लेटफॉर्म पे आएँ वो आप तक अर्लीस्ट आ सकें। बाकी आप दिए गए नंबर के पर हमसे कॉन्टेक्ट करें, ताकि हम आपको सिल्क मॉल के हवाले से जो भी बेस्ट अवेलेबल इन्वेंट्री है वो आपको एट अर्लीस्ट बता सकें। अगेन सेइंग के फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर बेस्ड है हमारा ये प्रोजेक्ट। जो भी हमसे जितना अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट करेगा हम उसको जो भी बेस्ट पॉसिबल इन्वेंट्री है वो बताएंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच। अपने होस्ट फरहान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।